हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल टू द केमिस्ट्री सेशंस। तो आज हम इस क्लास में क्या करेंगे, एंड सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि ये लास्ट लेक्चर होगा जीओसी का, ठीक है। जीओसी हमारी एंटायरली कंप्लीट है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हमने करे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, बहुत सारे रिएक्टिव स्पीशीज़ के बारे में। अब इन्हीं सब को मिक्स करके हम यूटिलाइज करेंगे मैकेनिज़म्स ड्रॉ करने में, मैकेनिज़म्स फाइंड आउट करेंगे हम कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्चुअली रिएक्शंस हैपन कैसे होती हैं। क्लियर? ओके, तो आज लास्ट लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स जो हमारा लास्ट सेशन में रह गया था। तो लास्ट सेशन में मैंने स्टार्ट करा था रिएक्टिव इंटरमीडिएट। सबसे पहले मैंने डिस्कस करा कार्बोकेटायंस, नेक्स्ट था कार्बन आयंस, उसके बाद फ्री रेडिकल्स, ठीक। ओके, ये तो हुई तीन स्पीशीज के बारे में। अब आते हैं चौथी स्पीशीज के बारे में, जो कि है कार्बीन्स, और पांचवी नाइट्रीन्स। ओके, ऑल्सो व्हाट वी हैव डिड इन द लास्ट सेशन, हमने लास्ट सेशन में एक और चीज करी थी जो कि थे अटैकिंग रिएजेंट्स। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, और एम्बीफाइल्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, न्यूक्लियोफाइल्स न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, और एम्बीफाइल्स विच कैन एक्ट एज बोथ, ठीक है। ओके, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें छोटा सा। मेरे पास ये स्पीशीज है, क्या नाम है स्पीशीज का, कोबाल्ट नहीं है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। मुझे बता दो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है, क्या ये न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या स्पीशीज है, इसके बारे में सोच के बताओ मुझे, ठीक है। तो सोचो, और मैं इसका आंसर भी इसी सेशन में डिस्कस करूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। अब आते हैं कार्बोकेटायंस। कार्बोकेटायंस कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2, ठीक है। कार्बन आयंस जस्ट लाइक अमोनिया sp3, लेकिन इसमें मैंने एक सिनेरियो बताया था कि अगर हम अलाइल कार्बोकेटायन डिस्कस करते हैं, सॉरी अलाइल कार्बन आयन, जब कभी भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अनायन होगी मेरे पास, ठीक। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन अनायन में मेरा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो यूजुअली sp2 हो जाता है। फ्री रेडिकल अगेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, फाइन। अब आते हैं कार्बीन्स और नाइट्रीन्स, बट बिफोर मूविंग ऑन टू दैट आई हैव गॉट अनदर थिंग फॉर यू। क्या है वो चीज देखते हैं। हमने करा कार्बोकेटायंस और कार्बन आयंस और फ्री रेडिकल। कार्बोकेटायंस और कार्बन आयन के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ आपको। कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कि ब्रिज्ड होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, एक ब्रिज है। तो ये एक रिंग होगी, एक्चुअली ये 3D में है, उसको इमेजिन करने की कोशिश करो। ये एक रिंग इस तरीके से है, उसमें बीच में भी ऐसे जॉइंट्स लगे हैं। जॉइंट्स आर नथिंग बट कार्बन्स, ओके। ऐसे ही एक और स्पीशीज बना देते हैं, चलो, राइट, ओके। अब मैं लगा देती हूं यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज, इस पॉइंट पे मैं लगा देती हूं यहां पे एक फ्री रेडिकल, ठीक, ओके। अब देखते हैं कार्बोकेटायन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 और फ्री रेडिकल की sp2। क्या होते हैं दोनों, प्लेनर ही तो हुए, ट्राइगोनल प्लेनर, ओके। लेकिन जब ये कार्बोकेटायंस ब्रिज पे होती हैं, इनको बोलते हैं ब्रिज हेड स्ट्रक्चर्स, ब्रिज हेड और हेडेड स्ट्रक्चर्स, राइट। अब ब्रिज हेड स्ट्रक्चर्स में होता क्या है, जब ब्रिज के ऊपर, ये दिख रहा है, ब्रिज के बिल्कुल एंड पॉइंट पर पॉजिटिव लगाया है, इस कार्बन पे पॉजिटिव है, और इस ब्रिज कार्बन पे ही फ्री रेडिकल है। तो यहाँ पे ज्योमेट्री प्लेनर होने का सवाल पैदा नहीं होता। तो यहाँ पे ज्योमेट्री जो है इज नॉट प्लेनर, प्लेनर नहीं हो पाती है, बट क्या हो जाती है, sp3 हाइब्रिडाइज चली जाती है, सॉर्ट ऑफ पिरामिडल ज्योमेट्री हो जाती है। तो यहाँ पे प्लेनर नहीं रह पाती, ये एक क्या है, मार्क कर लो इसको, दिस इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन क्यों है, sp2 होती है यूजुअली, बट sp3 हो जाती है, नॉन प्लेनर हो जाती है इस केस में, क्योंकि ब्रिज हेड पे प्लेनैरिटी हो ही नहीं सकती, ये वाला जो पॉइंट होता है ये बहुत अनस्टेबल होता है, क्लियर।
ये समझ में आ गया? ओके, तो इसमें कंप्लीट होती है हमारी तीनों चीजें। अब आते हैं एक्चुअली कार्बिन्स और नाइट्रीन्स के डिस्कशन पे। कार्बिन्स तो आपका कुछ कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म्स में भी यूटिलाइज होता है, लेकिन नाइट्रीन्स जो है इतने एज सच इतना डिमांडिंग टॉपिक नहीं है, ठीक है, इतना ज़्यादा सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, बट थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले आता है कार्बिन्स, ठीक। कार्बिन्स होता क्या है? स्पीशीज जो है न्यूट्रल है, ठीक है, कार्बन के साथ, कार्बन की दो वैलेंसीज ऑक्यूपाइड रहती हैं इसमें, ठीक है। बाकी कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे कार्बन के पास, बताएगा कोई मुझे? देखो 1, 2, 3, 4, ठीक, 4 तो यहां हो गए टोटल। ऑक्टेट में कितने होते हैं बताओ? 4 यहां हो गए, 4 और चाहिए, ओके, राइट। तो देखते हैं यहां पे होता क्या है। ऑक्टेट के लिए मुझे चाहिए 4, इस स्पीशीज के पास होते हैं 2 और, तो 2 तो इसकी वैलेंसीज ऑक्यूपाइड है, डाइवेलेंट, ठीक है, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं, तभी मैंने इसको इंक्लूड करा था। ऑक्टेट नहीं है ये, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं लगाएगा कोई, तभी मैंने इसको इंक्लूड करा था इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, 2 की और जरूरत है। तो बेसिकली ये क्या हो सकते हैं, 2 HH भी हो सकते हैं, 2 R भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, 2 हैलोजन्स भी मैं कंसिडर कर सकती हूँ, लेट्स से XX, ओके। तो ये एक स्पीशीज होती है, ऑल्सो न्यूट्रल, तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये न्यूट्रल होता है। अब ये स्पीशीज जनरेट कैसे होती हैं देखते हैं। बहुत रिएक्टिव स्पीशीज होती है, अगर किसी भी मैकेनिज्म में जनरेट होती हैं तो एकदम से इमीडिएटली प्रोडक्ट्स देते हैं, आगे फर्दर रिएक्ट कर सकती हैं ये, ठीक है, ओके। तो हुआ क्या, इसमें कार्बीन बनती है पहली बात, वैसे तो बहुत सारी स्पीशीज से बनती है, 2 मैं डिस्कस करना चाहूंगी यहाँ पे। पहली है डायाजोमीथेन, ठीक है, डायाजोमीथेन को सनलाइट में, ठीक, या तो मैंने करवाया इसका फोटोलिसिस या फिर मैंने करवाया इसका थर्मोलिसिस, ठीक है। तो या तो मैंने इसको सनलाइट में ट्रीट करवाया, यूवी लाइट में, या फिर मैंने इसको हीट दी, होगा क्या, मेरे को मिलेगा कार्बीन, ओके। अच्छा देखते हैं कैसे होता है। डायजोमीथेन है CH2N2, अब N2 को कैसे मैं लिख रही हूँ देख लो। अब इसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग किस तरीके से होगी, HNU लगा देते हैं पहले तो, ओके। देखो अब क्या होगा, इस केस में इस नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड्स हैं, इस वाले के, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स होने चाहिए और एक एक्स्ट्रा लोन पेयर होना चाहिए, राइट। इसमें 2 बॉन्ड्स हैं तो इसका मतलब 4 यहां पे पड़े इलेक्ट्रॉन्स। इस नाइट्रोजन में कितने हैं, 1, 2, 3, 3 बॉन्ड्स हैं, राइट, ओके। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया कि नहीं, पॉजिटिव आया, कैसे आया, ओके। तो यहां पे क्या है, इस तरीके से डायाजोमीथेन का पूरा स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। नाइट्रोजन के पास होने चाहिए 3 बॉन्ड्स, बना रहा है 4, इसका मतलब एक जो एक्स्ट्रा लोन पेयर था वो भी यूटिलाइज हो रहा है बॉन्डिंग में, तभी पॉजिटिव चार्ज मैंने यहां लगाया। यहां पे एक एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और है, पहले एक थे एक और आ गए, ठीक है। तो यहां पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, क्या यहां पे रेजोनेंस हो सकती है, हो सकती है, राइट। देखते हैं क्या बनता है, यहां पे आ गया पॉजिटिव, यही रहा, 3 बॉन्ड यहां आ गए N, और अभी भी राइट, ठीक है, अभी N तो 3 बॉन्ड बना रहे, ओके, एक लोन पेयर अभी भी है इस पे। इस नाइट्रोजन के पास अभी भी 4 ही बॉन्ड्स बन रहे हैं, तभी पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा मुझे बताओ, N2 जो गैस होती है, नाइट्रोजन गैस, N ट्रिपल बॉन्ड N होता है,
तो यहां पे पॉसिबिलिटी है नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होने की, बिल्कुल है। एन ट्रिपल बॉन्ड एन बना, तो क्या होगा, ये स्पीशीज, ये जो नाइट्रोजन है अपना पॉजिटिव चार्ज, मैंने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आए तो उसको हमें खत्म करना है। कैसे होगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा इस बॉन्ड के, निकल गया, क्या बना, CH2 नेगेटिव, नेगेटिव मतलब एक एक्स्ट्रा लोन पेयर्स, ठीक है, प्लस N2 गैस, ये क्या बन गई स्पीशीज मेरी, कार्बीन, सो दैट इज कार्बीन, क्लियर और नॉट क्लियर, ओके। अब सेकंड आते हैं कीटीन से, राइट, एक और स्पीशीज होते हैं उसको बोलते हैं कीटीन, राइट, कैसे दिखती है देखो, ओ राइट, अब यहां पे क्या होगा, वही, चलो थर्मोलिसिस कर देते हैं, हीट अप कर देते हैं इसको, फाइन, ये ऑक्सीजन की तरफ गए इलेक्ट्रॉन्स, ओके, अब क्या हुआ, ये इस पे जाएंगे, राइट, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, CH2 पॉजिटिव, एक सिंगल बॉन्ड C, सिंगल O नेगेटिव, राइट, अब क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दे देगा, फाइन, अच्छा, O पे नेगेटिव था, हाँ यहाँ पे ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव है, सॉरी कार्बन पे, अब क्या होगा, ये भी कोशिश करेगा यहाँ पे देने की, ये क्या है, एक जस्ट रैंडम, मैं आपको एक मैकेनिज्म बना रही हूँ, ठीक है, रैंडम मैकेनिज्म है, अभी आपको पता चलेगा कि ये मैकेनिज्म क्यों बन रहा है और किस लिए बन रहा है, ठीक है, ओके। तो अब हुआ क्या, नेक्स्ट स्टेप में CH2 पॉजिटिव रहा, C डबल बॉन्ड O बन रहा है, राइट, इस तरीके की एक स्टेट बीच में आएगी, इनफैक्ट नॉट जस्ट सी डबल बॉन्ड ओ बट सी ट्रिपल बॉन्ड ओ। अब क्या होगा, ये दोनों स्पीशीज मिला के क्या बन रहा है मेरा, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, क्या है, कार्बन मोनोक्साइड, ये कार्बन मोनोक्साइड गैस निकल सकती है यहाँ से, निकल सकती है, ठीक है, कैसे निकलेगी, ये इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत तो है नहीं कार्बन को, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा, कार्बीन फिर से जनरेट हो गया, प्लस कार्बन मोनोक्साइड निकल गई, ठीक है, तो बेसिकली पूरे मैकेनिज्म का पर्पस क्या था, कार्बन मोनोक्साइड निकाल देना जो कि एक बहुत स्टेबल स्पीशीज है, इसमें भी पूरे मैकेनिज्म का ये पर्पस था कि नाइट्रोजन गैस निकाल दें, तो ये दोनों गैसेस इवॉल्व हो जाती हैं यहाँ पे, राइट, मेरे को मिला कार्बीन, तो ये था कि जनरेट कैसे हो रही है, इनका जनरेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक ही रिएक्शन है जिसमें कि कार्बीन का यूज होता है, दैट इज रीमर टीमन रिएक्शन, उसको बोलते हैं रीमर टीमन रिएक्शन, वो आप बाद में पढ़ोगे, उसमें कार्बीन्स का यूज होता है कि कार्बीन्स फॉर्म हो रहे हैं, राइट, अदरवाइज दीज आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, फाइन। अब आते हैं कि कार्बीन्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कार्बीन्स का स्ट्रक्चर होता है दो तरीके के, तो एक कार्बीन होता है सिंगलेट, एक होता है ट्रिपलेट, ठीक है, सिंगलेट जो होता है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ट्रिपलेट जो होता है वो sp हाइब्रिडाइज्ड रहता है, राइट, ओके। अब इसमें होता क्या है, चलो ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड सबको आता है बनाना, मेरे पास है CH2 कार्बीन, राइट, अब देखो ये रहा कार्बन, दो हाइड्रोजन तो मैंने ऐसे लगा दिए, बाकी बचा क्या, ये लोन पेयर्स, वो मैंने लगाया तीसरे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, सो दिस इज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है, ओके तो यहां पे ही मैंने वो इलेक्ट्रॉन्स दोनों डाल दिए, राइट, ओके। और sp2 था ये हाइब्रिडाइज्ड, एक तीसरा ऑर्बिटल भी तो बचा होगा, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है तो ये एम्प्टी है, एम्प्टी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब आते हैं ट्रिपलेट कार्बीन पे, राइट, ट्रिपलेट कार्बीन पे आते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये वाली जो स्टेट है थोड़ी सी रीअरेंज होती है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं
ये अलग अलग हो जाते हैं। sp हाइब्रिडाइज्ड क्या होती है? लीनियर शेप, लीनियर शेप बना ली। दो बचे अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, एक रहा ये और दूसरा रहा ये। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन मैं डाल सकती हूँ, जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेरे पास, राइट। अब ये हो गई sp हाइब्रिडाइज्ड स्पीशीज, और ये दोनों क्या है? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। UO लिख रही हूँ मैं ऐसे जस्ट रैंडम, ओके फाइन। तो ये क्या हो गया मेरा? ट्रिपलेट कार्बीन। ये है ट्रिपलेट, ये है सिंगलेट, राइट। इसको बोलेंगे sp हाइब्रिडाइज्ड। दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल, ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट। वाई? इसका जवाब अभी हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, अभी नहीं, राइट। इनफैक्ट 11, 12 में इसका रीजन नहीं है, क्लियर, ओके। यहां पे मेरा कंप्लीट होता है कार्बीन्स। अब आते हैं नाइट्रीन्स पे। नाइट्रीन्स में क्या चल रहा है देखते हैं। तो नाइट्रीन्स का क्या है कि ऑर्बिटल्स तो हम करेंगे नहीं, ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम, जस्ट मैं आपको एक हिंट दूंगी कि ये होता क्या है, राइट। नाइट्रीन्स, क्लियर। अब नाइट्रीन्स में क्या है? नाइट्रोजन के पास टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहली बात। मोनोवैलेंट होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो ये दिखती कैसी है? मोनोवैलेंट मींस एक वैलेंसी ऑक्यूपाइड है इसकी, Rn। दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डन, ओके। ये बनता किससे है? अल्काइल एजाइड से। अल्काइल एजाइड क्या होता है? Rn3। इसको मैं एक्सपैंड कैसे करूंगी? इसकी मुझे क्या करनी है? थर्मोलिसिस, ठीक। मुझे ये निकाल के बताओ कि इसमें मैं ये स्पीशीज कैसे जनरेट कर सकती हूँ, गिव इट अ थॉट, ठीक है। तो अब आपने सोचा कि ये कैसे नाइट्रीन बन सकता है? दिस स्पीशीज इज नोन एज नाइट्रीन, ठीक है। अब कैसे निकलेगा? बिल्कुल वैसा ही प्रोसीजर है जैसा हमने कार्बीन्स में करा था। देखो पहले तो चार्जेस डिसाइड कर लेते हैं, नाइट्रोजन पे कितने कितने हैं। नाइट्रोजन ने दो ही बॉन्ड्स बना रखे, तो दो और इलेक्ट्रॉन पेयर्स लगा दिए। यहाँ पे देखो चार बॉन्ड्स हैं, तो इस पे पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे देखो, ओके, यहाँ पे सिंगल रहेगा, मेक इट सिंगल, राइट, क्योंकि हमें ये स्पीशीज जनरेट करनी है। अब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा, क्या होगा? इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, क्या बना? अब ये इलेक्ट्रॉन्स दिए तो ये आगे फर्दर शिफ्ट करेंगे या नहीं करेंगे? ठीक। अब क्या हुआ यहाँ पे? तो अभी भी चार बॉन्ड्स बना रहे हैं नाइट्रोजन, मैं पॉजिटिव लगाऊंगी, ठीक। अब पॉजिटिव तो अभी भी है, तो क्या होगा? ये इसके इलेक्ट्रॉन्स दे के एज नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा, क्या बना? ठीक है, बन गया नाइट्रीन, नाइट्रीन बन गया, दैट्स इट। यही हमें नाइट्रीन के केस में करना था। अच्छा, अब जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या फिर ये एक ऐसा स्पीशीज है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है? तो अगर देखा जाए तो क्या है, ऑक्सीजन के पास भी यहाँ पे लोन पेयर्स है, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक। इसके पास लोन पेयर्स हैं, इसके पास ऐसे लोन पेयर्स हैं, राइट। और एक जो होता है इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है, फाइन। तो ये एक एग्जैक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर है भी नहीं इसका। तो अगर देखा जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह कभी कभी एक्ट करता है, कभी कभी। तो ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल केस है कि कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव भी करता है, नहीं भी करता। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट एक्ट्स एज अ लीगेंड। कौन सी टर्म बोली मैंने? लीगेंड। लीगेंड मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रोवाइड कर दे। तो अभी हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इसके बारे में यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दिस, राइट, ओके। तो ये इतना समझ में आ गया कि कभी कभी
न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, वैसे एक न्यूट्रल स्पीशीज है ये। अगर मैं बात करूँ कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इट्स एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इसका जो सेंटर होता है, सेंटर क्या होगा, कार्बन ही तो होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। वो कैसे होगा, क्यों होगा, बता सकते हो आप? ऑल्दो कार्बन जो है यहाँ पे फुली सेटिस्फाइड है, राइट, लेकिन देखो थोड़ा थोड़ा ये ऑक्सीजन जो है खींच रहे होंगे अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कार्बन पे क्या आ गया, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसको इलेक्ट्रोफाइल की तरह काउंट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को मोस्ट ऑफ द टाइम्स, राइट। ओके, आई होप एवरीबडी हैज गॉट दिस। एंड हमारा कार्बिन्स और नाइट्रीन्स भी ख़त्म होता है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स ख़त्म, चैप्टर डन। आई होप सबको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गए, क्योंकि अगर GOC पार्ट जो कि मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है ये समझ में आ जाता है, तो पूरी ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से निकलेगी, राइट। सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट्स क्वेश्चंस, विल बी टेकिंग द क्वेश्चंस, विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस। आपको सबको पढ़ के आना है और साथ में मिलके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जो कि प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, राइट। तो उसी लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो उसी लेवल की पढ़ाई भी होनी चाहिए। हैव अ नाइस डे।